हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट हरियाणा 2019 के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी फॉर ऑल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए चाहिए होती है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इस लाइन में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको इसके बारे में सारी बातें बता देती हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी इसके साथ दबा दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड आगे मैं आपके लिए सारी वीडियो ऐसे ही लाती रहूँ। तो मैं पहले आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में बता देती हूँ। ये जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, ये 3 साल का कोर्स है, 3 ईयर्स ड्यूरेशन है इसका। सेमेस्टर बेस्ड कोर्स रहेगा आपका। इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, ये 10वीं क्लास रहेगी, 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, SSC एग्जामिनेशन, ऑब्टेन एटलीस्ट 35% मार्क्स। इसमें कम से कम आपके जो है 35% मार्क्स आना ज़रूरी है। ठीक है, इससे नीचे इसमें लिया नहीं जाएगा। 33% इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी एट कश्मीरी, इसमें जो है 33% जो है शेड्यूल कास्ट के लिए सीट आरक्षित की गई है। तो 33% तो उनके लिए हो गई है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए, बच्चों के लिए 35% कंपलसरी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि बच्चों के लिए कंपलसरी पास इन मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। बच्चों के पास मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है और उसमें पास होना भी ज़रूरी है, जो बच्चे 10th के हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एडमिशन इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग लैटरल इन एंट्री। ठीक है, लैटरल एंट्री के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 साल का कोर्स है, 2 ईयर्स ड्यूरेशन, सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है भी। इसमें 2 साल की एंट्री हो जाती है, इसमें 1 साल जो है स्टूडेंट्स का बच जाता है। वो कैसे बचता है वो भी मैं आपको कन्फर्म कर देती हूँ। इसके लिए एलिजिबिलिटी, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ITI ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन, जिन बच्चों ने ITI करी हुई है 10वीं के बाद, तो उनके पास जो है वो ITI कर चुके हैं, और उसके बाद जो वो एडमिशन इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, तो उनका जो है 1 साल बच जाएगा और उनको सिर्फ 2 साल ही करना पड़ेगा इंजीनियरिंग में, और उनको 2 साल बाद जो है डिप्लोमा मिल जाएगा। आफ्टर 10th 10 और 10+2 वोकेशनल, 10+2 विद फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जो ये 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक, केमिस्ट्री और मैथ्स, यानी PCM होना उनके पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो था एडमिशन इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में लैटरल एंट्री वालों के लिए, कि इनका जो है 1 साल बच जाएगा जिन्होंने ITI कर रखी है। ठीक है, और 10+2 वालों के लिए जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यानी PCM में जिनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो DET है, DET सिलेबस, यानी कि डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट, ये जो है इसमें सिलेबस 10+2 स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा एंट्रेंस टेस्ट का, वो कैसा आता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन पेपर, देयर विल बी ए कंपल्सरी ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 100 मिनट्स। ये जो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये आपका 100 मिनट का होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका 100 मिनट का, ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ जनरल। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरल अवेयरनेस के आते हैं और एप्टीट्यूड के, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आएंगे और साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश ओनली।
आपके पास जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे, आप ये सोच के मत जाना कि हिंदी में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे। देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दे देते हैं तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि अगर हम रॉन्ग आंसर दे देंगे तो हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। आई होप कि आप सही आंसर देंगे सारे, तो इसके लिए आप तैयारी करके ही जाना। अब मैं आपको तीसरा बता देती हूँ, एडमिशन इन डिप्लोमा फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी, एडमिशन इन डिप्लोमा फार्मेसी में 2 साल का आपका ड्यूरेशन होगा, 2 साल का जो है आपका कोर्स होगा, और ये एनुअल कोर्स है। इसमें एंट्री क्वालिफिकेशन है 10+2, आपको 12वीं होना जरूरी है, फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, हरियाणा से हो या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, आपको जो है 12वीं होना आपका बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी विथ 35% मार्क्स, 12वीं में आपके 35% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी डिप्लोमा फार्मेसी के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप नहीं होंगे। तो आपके 35% मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है आपको मैं बता ही चुकी हूँ, 35% इसमें आपके मार्क्स आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको तीनों डिप्लोमास के बारे में बता चुकी हूँ। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ कि डिप्लोमा जो बच्चे डिप्लोमा ले लेंगे इंजीनियरिंग में, वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो कुछ फील्ड भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, फैशन डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिटिंग, फूड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, देर इज़ अ लॉट ऑफ फील्ड्स। तो आप मतलब किसी भी फील्ड में जा सकते हैं इस डिप्लोमा को करने के बाद। तो आप सारे स्टूडेंट समझ चुके होंगे कि इसमें काफ़ी स्कोप है, और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है अपनी तैयारी एंट्रेंस टेस्ट के लिए करके रखें अच्छी सी, ताकि जो भी एंट्रेंस टेस्ट हो ऑब्जेक्टिव टाइप का या इंग्लिश में, उसके आपको आंसर्स देने पड़ेंगे और उसमें जो है आपके नंबर इतने आ जाएं ताकि आप जो है इस डिप्लोमा को लेने के लिए एलिजिबल हो जाए। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो लास्ट ईयर 2018 में जो CM है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने एक जो CM है उन्होंने एक हमें अपने संदेश में बताया था, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। वो इसी से रिलेटेड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना को और बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी तकनीकी संस्थानों में लड़कियों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त बहु तकनीकी संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्राओं से कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है, ठीक है। तो पिछले साल तो ये संदेश जो है हरियाणा के CM जी ने दिया था, और आई होप कि वो इस बार भी लागू होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये अच्छी खबर है। और अब मैंने आपको तीनों चीज़ों के बारे में बताया, डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। आई होप कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और आपको सारी जानकारी मिल गई हो, तो आप जो है ऐसे ही लगातार मेरी वीडियोस देखते रहें। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय।